तो लास्ट हमारा प्रोसीजर है अक्षी दर्पण, ठीक है। अक्षी दर्पण क्या होता है? नरिशमेंट ऑफ द आई थ्रू मेडिकेटेड स्नेक इज नोन एज अक्षी दर्पण। हमने अपनी आंखों का जब तर्पण करते हैं, उसकी नरिशमेंट करते हैं विद मेडिकेटेड स्नेक। इसमें जो मेडिकेटेड स्नेक हम यूज करते हैं वो बेसिकली हम यूज करते हैं घी, मेडिकेटेड घी यूज करते हैं। उसके द्वारा जब हम अपनी आंखों की नरिशमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं अक्षी दर्पण। इंडिकेशन किन किन केसेस में हम अक्षी दर्पण करते हैं? When a patient sees darkness in front of eyes, जब उससे अपनी आंखों के सामने ऐसा लगे कि क्लियर विजन नहीं है, उसकी आंखों में ड्राइनेस हो काफी ज्यादा, आंखों में स्टिफनेस हो, उसको फील हो, ठीक है। फॉलिंग ऑफ आई लैशेज इन एक्सट्रीम एग्रावेशन ऑफ द डिजीज ऑफ आई, बाकी ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस, डिफिकल्टी टू ओपन और क्लोज द आईज, इन कंडीशन में हम अक्षी दर्पण करवाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन कंडीशन में अक्षी दर्पण नहीं करवाना है? क्लाउडी डे, मतलब जब आसमान में जिस दिन बादल छाए हो उस दिन नहीं करवाते हैं। बेसिकली उस दिन हम कोई भी जो पंचकर्मा प्रोसीजर है, जो मेजर प्रोसीजर है, वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। एक्सेसिव हॉट एंड कोल्ड सीजन, एंग्जाइटी, फिजिकल एग्जर्शन, जस्ट अभी अभी पेशेंट जैसे कोई भी फिजिकल एग्जर्शन करके आया हो, एक्सरसाइज वगैरह करके आया, तो तब भी उसी टाइम पे नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा उसको काम होने देंगे, घंटा डेढ़ घंटा उसके बाद करवाएंगे। एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, सीवियर पेन एक्सेट्रा परसिस्ट इन द आई, जब भी उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेशन बहुत टाइम तक प्रोसिस्ट कर गई हो, तब उस टाइम भी अच्छी तर्पण नहीं करवाएंगे, ठीक है। प्री प्रोसीजर, सबसे पहले पेशेंट को ऐसे रूम में लिटाना है जहां पे भी डायरेक्ट सनरेज या मतलब ये हवा वगैरह डायरेक्ट ना आती हो, ऐसे मतलब कमरे में, साफ सुथरे कमरे में उसको लिटा देना है अपनी पीठ के बल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने उसकी फेस का हल्का हल्का सा वो करेंगे अभ्यंग, उसके बाद हल्की हल्की सी आंखों की वो करेंगे हम लोग स्टीम फॉर्मेंटेशन करेंगे कॉटन स्वैप के साथ। अब मेन प्रोसीजर ये ध्यान देने वाला है, मेन प्रोसीजर सबसे पहले, अ वॉल ऑफ पेस्ट और पाउडर्ड मार्श पल्सेस इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द आईज। उड़द की दाल का आटा लेंगे, ठीक है, उस आटे से हम लोग पिट्ठी बनाएंगे और उस पिट्ठी को अपनी दोनों आंखों के अराउंड लगा देंगे, ये सबसे पहला काम है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को क्या बोलना है कि अपनी आंखों को बंद कर ले, और बंद करने के बाद जो हमने घी यूज करना है, मेडिकेटेड घी, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें त्रिफला घृत यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकेटेड घी में, तो त्रिफला घी को हमने वो कर लिया, लिक्विफाई कर लिया, ठीक है, मेल्ट कर लिया, उसके बाद उसकी बंद आंखों पे हमने वो डालना स्टार्ट करना है घी, ठीक है। जब उसकी जो आई लैशेज है वो घी में डूब जाए तो उसको खोलना है कि अपनी आंखों को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना, ठीक है। After the prescribed time is over, the ghee is drained out. The eyes is irrigated by lukewarm water fermentation. जितने टाइम तक भी हमें ये बताया गया है कि अक्षी दर्पण हमने करना है अकॉर्डिंग टू डिजीज, ये टाइम हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, तो जब टाइम कम्प्लीट हो जाए हमारा तो जो घी है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं आंखों में से, और उसके बाद आंखों को फिर से lukewarm water के साथ एक बार क्लीन कर देते हैं, ये है, ऐसा रहता है। घी में डूब गई है, उसके बाद हमने पेशेंट को बोलना है आंखें खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है। हाँ जी, खोलना बंद कितना, वो ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि कितनी मतलब हमने मात्रा का कर, वो आगे मात्रा बताते हैं। पोस्ट प्रोसीजर में क्या करना है हमने कि जब पेशेंट की उसको आईज को क्लीन कर दिया है, जब अक्षी दर्पण का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, तो उसको बोलना है कि डायरेक्ट जो है जहाँ पे एक्सेसिव ठंड है और हवा वगैरह ज्यादा चलती है, एक्सेसिव हीट है, और यहाँ जो बहुत शाइनी चीजें हैं उसकी तरफ अभी थोड़ा टाइम नहीं देते मोबाइल। अब पीरियड ऑफ रिटेंशन की कितनी देर तक हमने घी को रखना है, ठीक है, वो आयुर्वेद में जो मेंशन किया गया है वो है 500 टू 1000 मात्रा, क्योंकि उस टाइम पे मिनट सेकंड ये यूनिट्स होती नहीं थी, तो उन्होंने मात्रा में टाइम बताया गया है हमें। मात्रा क्या होती है, बेसिकली मात्रा इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लिंकिंग द आई फॉर वंस, कि एक
बारी में जब हम पलक झपकाते हैं उसको हम एक मात्रा मानते हैं, ठीक है। और एक मात्रा को अगर हम मॉडर्न आज के टाइम में कैलकुलेट करें तो 1.5 सेकंड की अप्रोक्सीमेटली होती है। तो 500 से 1000 मात्रा का मतलब हो गया 12 से 25 मिनट, ठीक है। अब ये जो 12 मिनट का टाइम है ये है उस इंसान के लिए जिसको आइस की कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी दर्पण करवा सकता है। तो जिसको कोई दिक्कत नहीं है आइस की, जस्ट वो अपनी आइस को और हेल्दी रखने के लिए करवा रहा है, तो वो 12 मिनट तक करवा सकता है, ठीक है। और 25 मिनट है मैक्सिमम टाइम जिसको आइस की दिक्कत है, उसको हम आधे घंटे तक करवा सकते हैं। मैडम, जिसका ग्लूकोमा है उसके लिए कितना देर तक करना चाहिए? आधा घंटा कम से कम। हाँ। और उसके साथ कैटराक्ट भी कॉम्प्लिकेशंस में है, कैटराक्ट और ग्लूकोमा दोनों एक साथ है। अच्छा, तो उसको अक्षय तर्पण करना चाहिए? कैटराक्ट अगर है, लेकिन देखो ग्लूकोमा पे तो वो असर करेगा ही करेगा ना, अगर कैटराक्ट उसकी कॉम्प्लिकेशंस में है। कैटराक्ट में वो उतने क्योंकि इतना ज्यादा असर उस पर नहीं करेगा, लेकिन उसको और ज्यादा बिगाड़ेगा भी नहीं। लेकिन जो ग्लूकोमा है उसपे तो वो असर करेगा ही करेगा। हम बोल रहे कैटराक्ट के चलते ग्लूकोमा को कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होगा? नहीं नहीं। तो अगर मात्रा के हिसाब से जैसे अगर हमने घी उसमें डाल दिया है, तो उसको बोलना है कि अगर अपनी आंखों को बंद करना है जब खाना है, तो जैसे यूजली 3 बारी में हमको घी गर्म करके दोबारा से डालना ही पड़ता है पिट्ठी में। एक घी ठंडा हो जाता है जब हम एक बारी डालते हैं, तो आधे घंटे में कम से कम 3 बारी हमें डालना ही पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं कि जैसे एक एक बारी में मतलब काउंट करते जाओ, जैसे 200 बारी अपनी आंखों को झपकाना है, बंद करना है, झपकाना है, बंद करना है, ठीक है। ड्रेनेज करने का सिस्टम क्या है? ड्रेनेज का वैसे सिंपल, हम लोग कॉटन स्वैब को लेते हैं, अंदर उसपे पिट्ठी में मतलब डिप कर देते हैं उसको, और ऑयल जो है वो सारा उसके साथ स्क्वीज करके फिर बाहर। वही ऑयल को रीयूज कर सकते हैं? उसी पेशेंट के लिए रीयूज कर सकते हैं, किसी और पेशेंट के लिए? हाँ, उस पे रीयूज कर सकते हैं। उसी पेशेंट पे तो कर सकते हैं, 7 डेज का जैसे प्रोसीजर हमारा चलता है, मिनिमम 7 डेज तो हम करवाते ही करवाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले तो? फीचर ऑफ हैवीनेस, इनडिस्टिंक्ट विजन, एक्सेसिव लैक्रिमेशन कि उसकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी आएगा अगर अच्छे से नहीं होएगा, उसके लगेगा कि आंखें मेरी भारी भारी सी हैं, अच्छे से उसको दिखाई नहीं देगा, आंखों में खारिश होगी और आंखों में उसको जैसे चिपकी चिपकी सी आंखें लगेंगी और आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होगी उसको। लाइट जब उसकी आंखों में पड़ेगी तो टॉलरेट नहीं हो पाएगी, और जिस डिजीज के लिए बेसिकली हमने अक्षय तर्पण करवाया था वो डिजीज और बढ़ जाएगी उल्टा ठीक होने की वजह से। रेड आईज जो होती है, मतलब किसी किसी को ऐसा होता है कि हर मंथ में एक या कुछ एक दो महीने में होती रहती है, और उनको उस टाइम पे रेड आईज होती है, पेन भी होता है, जलन भी होती है, तो वो लोग भी कॉम्प्लिकेशन की प्रसिस्ट रहे, अगर काफी देर तक ऐसा बना ही रहे इस केस में तो उसको कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे 2 महीने में एक बार हो गया या फिर महीने में एक बार हो गया, तो उस कंडीशन में ही हमने करवाना। अक्षय तर्पण हम इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले भी, इवनिंग तक कभी भी कर सकते हैं। और कंदुष के लिए कोई कवल और कंदुष करने के लिए ऑयल में तो देखो हम लोग जो बेस्ट और सेफ है तिल तेल, ठीक है। उसके अलावा कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, काढ़े में हम लोग सिंपल जैसे त्रिफले का काढ़ा वो भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारा गला जैसे खराब सा रहता है तो मलेठी का काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग दूध से भी कर सकते हैं कवलिया कंदुष, शहद से भी कर सकते हैं कवलिया कंदुष, तो अकॉर्डिंगली जैसे अगर हमने घर पे करना है तो हम अल्टरनेट करके भी कर सकते हैं, जैसे आज हमने तिल के तेल से कर लिया, कल हम मस्टर्ड ऑयल से कर लें, परसों हम किसी काढ़े से कर लें, उसके अगले दिन कोकोनट ऑयल से कर लें, ऐसे करते हैं। किसके लिए? अक्षय तर्पण के लिए, अक्षय तर्पण के लिए घृत यूज करते हैं हम, त्रिफला घृत, महात्रिफला घृत। इसके अलावा यूजली वैसे यही हम घृत यूज करते हैं, त्रिफला जो है बेसिक है और सेफ है। इसके अलावा जो नॉर्मल हमारा गाय का घी होता है उससे भी कर सकते हैं, उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। जिनको रेड आईज होती है जैसे मंथली, तो उनको अवॉइड, मतलब उनका
वो होएगा ही नहीं, आगे वो होगा ही नहीं। जैसे कंजक्टिवाइटिस में ऐसे होता है, हमारी आई बहुत रेड हो जाती है, ठीक है, और आंखों के पानी बहुत आता है, तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं, तो आगे प्रॉब्लम आएगी। मतलब एक मंथ में 7 दिन हम कंटिन्यू करते ही करते हैं थेरेपी, अगर हम किसी डिजीज को पर्पस के लिए करते हैं। मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू फिर डिजीज सिवेरिटी, मतलब वो चलती है, जैसे 14 डेज तक भी हम इंक्रीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से सेटिंग दे दो, कोई चक्कर नहीं। अब हम बिल्कुल हेल्दी आईज हैं, और वो अगर करे तो उसके फिर क्या क्या बेनिफिट होंगे? फिर अगर बिल्कुल हेल्दी तो जो विजन है वो बिल्कुल